अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, आज आप लोगों को गांव नज़र आ रहा होगा और आज हम लोग अपने गांव में आए हैं साग लेने। यहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा साग भी लगा रखा है, बल्कि गांव की औरतों ने जो थोड़ा बहुत छोड़ा होगा वही हमें मिलेगा। साग लेंगे और आपको साग पकाना भी दिखाएंगे। मेरी सास जो है वो थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही अच्छी थी। उनके हाथ का जो साग था बहुत ही फेमस था, ना सिर्फ उनके ख़ानदान में बल्कि हम लोग के जो नेबर हैं वो भी सारे बड़ा ही पसंद करते थे उनके हाथ का साग। तो उन्हीं के तरीके से हम बनाएंगे और थोड़ा आपको साग तोड़ के भी दिखाएंगे और उसको पका के भी दिखाएंगे, उसको तड़का हम लोग किस तरह लगाते हैं वो सारा भी दिखाएंगे आपको। अभी जा रहे हैं हम लोग साग लेने। साग लेंगे अगर तो यहाँ से बाथू और पालक मिल गई तो यहीं से लेंगे, वरना फिर बाहर से लेंगे। यहाँ पे मूंगरे भी लगाए हुए हैं। हाँ, साग भी तोड़ांगे, साग ही तो लेना है। इतो भी साग तोड़ना भी है, चीज अंदर अंदर से निकालना पड़ेगा। अच्छा, 2 साल पहले तोड़िया सी साग में। आओ बच्चों, ये अंदर से ढूंढ के निकालना पड़ता है। ये राया साग है, ये थोड़ा कड़वा बनेगा, ये नहीं चाहिए ना हमें, दूसरा चाहिए। ये देसी है, ये देसी साग है, ढूंढना पड़ेगा। आए जड़ों निकल आया। सही है। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, वरना तो इतनी धुंध थी जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, धुंध ही देख रहे हैं हम लोग। कल से धूप निकलना शुरू हुई है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हम लोगों ने गांव का प्लान किया और आज हम लोग निकल आए हैं, सुबह ही सुबह निकले हैं ताकि धूप धूप में हम लोग साग लें और फिर उसको पका के खा के बाकी का साथ ले के जाएंगे घर। लहसुन, हरा लहसुन और हरा जो प्याज है उसका अपना ही मजा है ना। शलजम भी लगे हुए लेकिन छोटे छोटे हैं। शलजम का है, हाँ ये छोटे छोटे वाले हैं, अभी बड़े नहीं हुए, थोड़े से लगाए हुए शलजम। कहाँ है, बारीक बारीक मूलियाँ है ना। ये वाले मुझे मोटी मिली है, मुझे तो मूली चाहिए। दिखाओ अब्दुल वहाब, रामीन भी खुश हो रही है मूली निकाल के। पालक भी मिल गई है, पालक उतारेंगे यहाँ से। आओ बच्चे यहाँ से पालक भी लें। आशीर, थक गए हो आप? अच्छा ये जो स्टाला है ना, मुझे ये हमेशा मेथी जैसा लगता है, ऐसे लगता है मेथी के पौधे हैं सारे, बाद में पता चला नहीं जी ये स्टाला होता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, देख के दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आके। सब्जा और ये जो है ये हम लोगों का, हम लोग की रूट्स है, हम लोग की जड़ें हैं, गांव जो है वो हमारी जड़ें हैं। गांव देख के बस दिल बाग बाग हो जाता है, यहाँ के खाने, यहाँ पे आना जाना जो है ना, हम लोग का दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आके।
बस थोड़ा बिजी होते हैं बाहर जो रहते हैं, इसलिए थोड़ा नहीं आना जाना होता है ज़्यादा जल्दी, लेकिन जब भी आए दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आके। जी तो साग हम लोगों ने काट लिया, ये देखें इस तरह का साग आपका बारीक बारीक कटा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जाएगा बाथू, और पंजाबी में तो हम लोग बाथू बोलते हैं उसको, और इसमें जाएगी पालक। इतने साग में मैं आपको दिखाऊंगी कि बाथू और पालक जो है वो कितना कितना जाएगा। अभी यही है, इसको हम पहले धो लेंगे, इसके बाद हम इसमें पालक और बाथू डालेंगे। नहीं नहीं ये बाल्दी का तेल पा, बाल्दी का तेल पा बड़ा मजा आता है, जरी आग मचदी है। बुझ गई बुझ गई, आग जल गई है। साग फिलहाल हम ऊपर रख रहे हैं, और बाथू जो है, बाथू और पालक अभी आ रही है, उसको काटेंगे और फिर वो इसमें डालेंगे। साग जो है वो हम लोग इस तरह बनाएंगे, इसलिए जब भी आप ऐसी आग में साग पकाना हो तो इसको हमेशा ऊपर से ढक के पकाते हैं, ताकि ये धुआं जो है, स्मोक जो है, ये अंदर ना जाए। इसलिए हमेशा इसको पहले ऊपर से ढक दिया जाता है, जैसे ये धुआं जो है वो ख़त्म होगा तो फिर हम इसको ऊपर से उतार देंगे और फिर पकाएंगे इसको। साग जो है वो यहाँ का बहुत ही अच्छा है, सिर्फ एक घंटे में साग जो है ये पक के तैयार हो जाएगा। ये बाथू जो है ये मैंने बना लिया, और इसको मैं बारीक बारीक काट लूंगी। बारीक ना भी हो, थोड़ा मोटा भी चलेगा, गल जाएगा क्योंकि इसके अंदर ही साग के अंदर ही 3 से 3.5 किलो साग था, है ना, इतना ही होगा, 3 से 3.5 किलो साग है, और इसके अंदर 1 किलो ये बाथू जाएगा और 1 किलो पालक जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत। साग को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे पहले, और इसमें डालेंगे पालक। पालक को मैंने मोटा मोटा कटवा लिया, ये देखें, इसलिए मोटा मोटा इसको काटते हैं ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो धुलने से आसानी से निकल जाए। किसी भी बाउल में पहले डालें और फिर आराम से ऊपर से पालक जो है वो निकाल लें। ये थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, साग जो है वो पकते हुए थोड़ा नीचे जाएगा, फिर बाकी की पालक और जो बाथू है वो डालेंगे हम लोग। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, नानी के घर का साग जो है वो याद आ गया। बस ये थोड़ा नीचे चला गया, इसके बाद इसमें हम बाथू डाल देंगे, थोड़ा सा और नीचे चला जाए। ये बाथू डाल देंगे, अब थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ताकि ये नीचे जाएगा ना, फिर अगेन डालते हैं। साग में मैंने पालक और बाथू दोनों चीज़ें जो है वो डाल दी हैं, और अभी अभी मुझे रिसेंट एक चीज़ पता चली है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक नेबर आई है, वो कह रही है बाजी ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, डोई का, ये नहीं अंदर डालते पकाते हुए, ये जो हिस्सा है ना इसको डालते हैं अंदर। वो कहती हैं, हमारी दादी कहती हैं कि इससे साग जो है वो जल्दी गल जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है, मुझे आज ही पता चला है कि उनकी दादी ने बताया, बड़ों की बातें जो है सही होती हैं, कि ये चीज़ जो है ना ये साग के अंदर डालते हैं, इससे साग जो है वो जल्दी गलेगा, और ये हिस्सा डालने से साग नहीं गलता, जल्दी नहीं गलता। लेट्स सी, देखते हैं। तब से तो मैं इधर वाली साइड ही यूज कर रही थी, लेकिन ये है कि यहाँ का साग जो है ना, इस एरिया का ये साग बड़ा अच्छा है, ये खुद घर का हम लोगों ने लगाया हुआ है। साग जो है वो गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी है थोड़ा सा, पानी इसका ड्राई करेंगे। मैंने ऊपर से इसका ढक्कन उतार दिया है, पानी इसका ड्राई करके फिर हम ये साग जो है ये नीचे उतार लेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, आग थोड़ी सी तेज कर दी है मैंने। साग जो है वो पकने के करीब हो चुका है, इसको देखते हैं ये गल गया कि नहीं। तब से ढका हुआ था ये, तकरीबन आधा घंटा हमने ढक दिया इसको। अभी साग में जो मिर्चें जाएंगी, अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, जब साग को आपने पकने के लिए रखना है
तब आप उसमें थोड़ी सी ग्राइंड करके हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। लेकिन ये मेरे सास का जो तरीकाकार था साग पकाने का वो यही था, ये वाली हरी मिर्च सॉरी रेड मिर्चें जो हैं इन सूखी हुई इनकी ये हम डंडियां उतारेंगे, इनको ग्राइंड करेंगे और साग के साथ ही, ये साग पकने के करीब है इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, ये डंडियां उतार के इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। लाल मिर्चें जो है ये हमने ग्राइंड कर ली हैं, ये देखें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्चें डाल सकते हैं, जितनी आपको तेज मिर्चें पसंद हैं या हल्की मिर्चें पसंद हैं, मैंने जितनी डाली आपको दिखा दी हैं, एक पाव के करीब थी मिर्चें, ग्राइंड कर ली। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगना था क्योंकि ये फुल ड्राई नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला, इसको ग्राइंड कर लिया। और इस स्टेज पे जब साग आपका पकने के करीब हो और पानी इसमें थोड़ा सा रह गया, इसमें हम ये जो मिर्चें ये डाल देंगे ताकि ये भी इसके साथ ही पक जाए और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। इसके साथ इसमें नमक भी डाल देंगे हम, नमक भी डाल दिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पहले ये मैंने 3 से 4 टीस्पून जो है ये नमक के डाल दिए, बाकी हम चेक करने के बाद डालेंगे इसको, ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा हो। चेक कर लेते हैं गल गया कि नहीं, गल गया है साग जो है वो गल गया, बस इसको 10 मिनट में ऊपर रखूंगी फिर इसको निकाल लेंगे, उतार लेंगे इसको ना। साग को जब भी घोटे इसमें थोड़ा सा आपको कुछ काटा जो ये डालना पड़ेगा, इसको हम घोटने के साथ थोड़ा घोट लेंगे, थोड़ा सा आटा इसमें डालते जाएंगे ताकि साग जो है वो अच्छा सा मुलायम सा हो जाए। बड़ा अच्छा साग गल गया है, बस घोटने के साथ थोड़ी सी इसको मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा अच्छा ये ब्लेंड हो जाएगा। कितना डालेंगे इसमें साग भला, ये आटा साग में कितना जाएगा आटा? इसमें जाएगा तकरीबन जितना साग है ना इसमें 1.5 पाव आटा चला जाएगा, जो ऐसे थोड़ा थोड़ा ताकि इसकी गुठलियां ना बने। हाँ थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हाँ, और ऐसे मिक्स होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको घोटते जाएंगे, फिर थोड़ा सा डाल दिया फिर घोट दिया, इस तरह 1.5 पाव जाएगा इसमें। हाँ, तकरीबन 1.5 पाव। अच्छा कुछ लोग इसमें वो क्या कहते हैं इसको मिक्स करके भी डालते हैं ना पानी में थोड़ा सा? नहीं, वो तो जब तड़का लगाना हो ना जब खाने से पहले तब वो डालते हैं। अच्छा, ये अभी इसने इसको मिक्स करना है, इसको ब्लेंड करना है, तो इसने आटे के साथ ही हो जाना है। अच्छा 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 सही हो गया, डालें थोड़ा सा आटा। जी तो साग को हमने 2 लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनत से घोट लिया। आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रिक बेटर जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ये देखें घोट लिया, बड़ा अच्छा, इसी तरह का चाहिए। फूल पिसा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह का थोड़ा दरदरा सा जो साग है वो मजे का लगता है। बस इसको हम तड़का लगाएंगे, अब अपनी पसंद का तड़का लगाएंगे। फ्रेश फ्रेश पालक है, बच्चे कह रहे हैं पकोड़े भी खाएंगे, अभी इसके हम बनाएंगे पकोड़े। मुझे आलू और वो भी ला दो प्याज। तीनों सब्जियां मैंने काट ली हैं, पालक प्याज और ये इस साइज के आलू। नमक डालेंगे इसमें, रेड चिली पाउडर। दरदरा सा सूखा धनिया मुझे बड़ा ही पसंद है, बस इसको ऐसे ही हाथ से पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे बेसन और फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। बेसन जाएगा इसमें, पहले थोड़ा सा डालते हैं ना, फिर देखते हैं कितना इसमें जाएगा। पेस्ट हो गया तैयार, तू करके ही।
इस आग पे बने हुए पकोड़े जो हैं वो तो मैं कहती हूँ कि वो चिकन और मटन से भी मजे के बनेंगे। नहीं समझ आ रही, ये नीचे कोना नहीं है जहाँ पे और एक और फेंको। यहाँ के भुने हुए जो आलू होंगे ना वो बड़े ही मजे के बनते हैं। एक मिनट, ये ऊपर वो कर देते हैं ना आग, पीछे वाली आग ठहरो, वो चिमटा लेके उसके साथ आग करते हैं इसके ऊपर। जी तो हमारे बहुत ही मज़े के पकोड़े जो हैं वो तैयार हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से साग का जो तड़का लगाने का तरीका है वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। आपने साथ नहीं छोड़ना और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।